हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पवन चौधरी। वेलकम टू सारथी एजुकेशन। एमपीपीएससी मेंस के लिए स्पेशल टॉपिक जिसके अंदर हम एमपीपीएससी मेंस पेपर फोर और पेपर फोर के अंदर आपका जो एथिक्स एप्टीट्यूड एंड इंटीग्रिटी है उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका सोशल थिंकर, सामाजिक जो है सामाजिक पॉलिटिकल, ठीक है, आपके राजनीतिक ये थिंकर्स जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो थिंकर के सीरीज में अभी हमारे चार थिंकर्स बचे हुए हैं, दीनदयाल उपाध्याय, देन अरबिंदो, प्लेटो एंड एरिस्टोटल, ठीक है, ये चार बचे हुए हैं। उसके अलावा मैं कोशिश करूंगा कि बाद में मैं नेहरू भी कवर कर लूँ उसके अंदर, क्योंकि एमपी के अंदर कांग्रेस की सरकार आ गई है तो आपका जो सिलेबस है उसके अंदर लास्ट में ईटीसी दिया हुआ है, तो जितना सिलेबस में है वो तो हम कवर करेंगे ही, साथ ही हम नेहरू को यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि हो सकता है कभी नेहरू इस बार एग्जाम के अंदर आ जाए, ठीक है, इट मे बी प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे, तो हम उसको भी कवर कर लेंगे। चलिए बात करते हैं दीनदयाल उपाध्याय की। तो वैसे दीनदयाल उपाध्याय की जो बेसिक फिलोसफी है वो है आपके इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की, एकात्म मानववाद की, तो वो हम बेसिक थ्योरी उनकी देखेंगे। उस थ्योरी के पहले थोड़ा सा उनके लाइफ के बारे में, उनके जीवन के बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। He was born on 25th of September 1916, 25 सितंबर 1916 को इनका जो जन्म है वो चंद्रभान नाम की जगह है, वहां पर उनका जन्म हुआ और उस जगह को अब दीनदयाल धाम के नाम से वहां पे जाना जाता है। ये आपके मथुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही जगह है। इनके जो फादर थे, फादर का नाम था भगवती प्रसाद और ही वॉज एन एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर थे, और मदर का नाम जो था उनका राम प्यारी था। मतलब मदर फादर दोनों जो है वो धर्म से शुरू से ही जुड़े हुए थे। लेकिन अभी when he was 8 years old, जब 8 साल के थे तब इनके पिता का जो है, पिता का देहांत हो जाता है, माता पिता दोनों का देहांत हो जाता है। उसके बाद उनकी जो मैटरनल आंट थे, उनकी जो मौसी है, वो मौसी उनका लालन पोषण जो है वहां पे करती है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने अपना जो पिलानी के अंदर जो बिरला कॉलेज है वहां पर उन्होंने अपना इंटरमीडिएट किया, देन बीए इन्होंने किया सनातन धर्म कॉलेज कानपुर से इन द 1939, ठीक है। उसके बाद में ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर एज ए प्रचारक, प्रचारक के तौर पर वहां पर ज्वाइन करते हैं। तो प्रचारक एक पोस्ट वहां पर होता है जहां पर आपका आरएसएस का प्रचार करने का काम होता है, तो प्रचारक के रूप में आरएसएस को वहां पर ज्वाइन करते हैं, ठीक है, इन 1941-42 के अंदर, और वो आरएसएस के शुरुआती समय है क्योंकि 1925 के अंदर आरएसएस एस्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। उसके बाद एक वो मंथली मैगजीन स्टार्ट करते हैं राष्ट्र धर्म लखनऊ से इन द 1940s, 1940 की शुरुआत में। बाद में जो है पांचजन्य जो आरएसएस का एक मुखपत्र है, आरएसएस का उसको एक मेन पेज कहा जाता है पांचजन्य, उसको स्टार्ट करते हैं, वीकली न्यूज़पेपर वीकली उसको स्टार्ट करते हैं, साथ ही स्वदेश करके एक डेली पेपर जो है वो स्टार्ट करते हैं। पांचजन्य जो है आज के टाइम पर भी ये पब्लिश होता है जहां पर आरएसएस की इंफॉर्मेशन उसके अंदर आती है और इसको इंग्लिश में द ऑर्गेनाइजर करके पब्लिश होता है, ओके। उसके बाद हम आजाद होते हैं और आजाद होने के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो 1947 के अंदर नेहरू की जो पार्लियामेंट थी, नेहरू के पार्लियामेंट के अंदर थे, लेकिन नेहरू के साथ में कई मतभेद उनके होते हैं, एंड फाइनली ही एस्टैब्लिश द भारतीय जनसंघ इन 1951, 1951 में भारतीय जनसंघ ये एस्टैब्लिश करते हैं, और दीनदयाल उपाध्याय जो है उसको 67-68 में एज ए प्रेसिडेंट उसको ज्वाइन करते हैं और अभी जनसंघ के प्रचार प्रसार के अंदर पूरी तरीके से लग जाते हैं। लेकिन 11 फरवरी 1968, 11 फरवरी 1968 को वो ट्रेन से लौट रहे, ट्रेन से मथुरा के पास से जा रहे थे और ट्रेन के अंदर फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट के अंदर इनकी जो लाश है वो संदिग्ध अवस्था के अंदर मिलती है, और उसके बाद में फिर सीबीआई जांच भी हुई लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई कि इनकी जो हत्या है वो कैसे हुई, किसने कराई, तो वो आज के टाइम पर भी इनकी जो डेथ है वो एक मिस्ट्री यहाँ पे बनी हुई है। तो ये उनकी अर्ली लाइफ की यहाँ पर बात हुई। अगर हम बात करें इनकी फिलोसफी ऑफ द इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, एकांत मानववाद की जो इनकी फिलोसफी थी, तो बेसिकली महात्मा गांधी से ज्यादा, बहुत ज्यादा ये प्रभावित थे गांधी के जो प्रिंसिपल थे सर्वोदय का, सर्वोदय मतलब सबका उदय ना, द इमर्जेंस ऑफ ऑल, प्रोग्रेस ऑफ ऑल, स्वदेशी मतलब इंडियनाइजेशन, चीजों का स्वदेशीकरण करना कि हम हमारी चीजें जो है वो खुद उत्पादित करें और खुद उनका उपयोग करें, ग्राम स्वराज, ठीक है, मतलब आपका विलेज का सेल्फ रूल, जैसे गांधी जी का हमने देखा था लास्ट लेक्चर के अंदर कि किस तरह गांधी जी का समाजवाद, गांधी जी का जो ग्राम स्वराज था, गांधी का स्वराज का सिस्टम था जो पिरामिड की जगह जो है वो सर्कल के अंदर चलता था, ठीक है, जहां पर हर जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे राज्य हो, केंद्र हो, जनपद समिति हो, सभी को अपने अपने अधिकार वहां पर मिलते थे। तो इससे काफी वो इंस्पायर हुए
और ये चीजें जो है अपनी फिलोसफी के अंदर उन्होंने वहां पे शामिल की. बोलते द मेन इज द हाईएस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड एंड नॉट सिंगल एंटिटी. मैन इज अ मेंबर ऑफ मैनी इंस्टीट्यूशन. इंसान जो है भगवान की सबसे बड़ी देन है और इंसान एक सिंगल एंटिटी नहीं, वो अलग अलग कई सारे इंस्टीट्यूशन, कई सारे संस्थानों से जुड़ा हुआ है. किस तरह के संस्थान? संस्थान मतलब मैरिज, मैरिज एक संस्थान है, ठीक है, जाति एक संस्थान है आपके सोशल साइंस के अंदर. तो ऐसे कई संस्थानों से अलग अलग जगह से जुड़ा है. एक व्यक्ति जो है उसके कई सारे रूप हैं, वो एक पिता है, एक बेटा है, एक पति है, एक एम्प्लॉय है कहीं पर, या फिर एम्प्लॉयर हो सकता है, एक सामाजिक व्यक्ति है, ठीक है. तो कई तरीके के रोल जो है इंसान के अंदर हैं और इंसान जो है कई तरह के रोल वहां पे निभाता है. तो इंसान को जो है एक तरीके से आप वहां पर बांध के नहीं रख सकते, क्योंकि ही बिलोंग टू द मल्टीपल इंस्टीट्यूट. बहुत सारे अलग अलग संस्थान जो है उनसे वो इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ है. अभी इनका मेन जो विरोध था वो था आपका वेस्टर्न कैपिटलिज्म और मार्क्सिस्ट सोशलिज्म से. तो वेस्टर्न जो कैपिटलिज्म था या फिर जो आपका पश्चिम का जो पूंजीवाद था, उस पूंजीवाद के अंदर जो धन संपदा है वो एक ही तरफ इकट्ठी होकर रह जाती थी. कुछ स्पेसिफिक लोग अमीर होते थे, बाकी लोग जो है काफी ज्यादा गरीब होते थे. तो कैपिटलिज्म ऑफ द जो फिलोसफी है पूंजीवाद का, उसके वहां पर वो काफी खिलाफ थे. एंड उसके अलावा जो मार्क्सिस्ट का जो सोशलिज्म था, मार्क्स का जो समाजवाद था, जहां पर सभी संपत्ति जो है वो सरकार के पास में और सरकार ही वो सभी लोगों के अंदर उसके जो उपभोग है उसको बांटेगी, मतलब एक तरीके से सरकार ही पूरा उसको स्प्रेड करेगी. तो दोनों फिलोसफी जो है वो उसको सही नहीं मानते थे, क्योंकि एक तरफ जो है बहुत ज्यादा सेंट्रलाइजेशन है, एक तरफ बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन है, ठीक है. तो दोनों ही स्तर बराबर यहाँ पर ठीक नहीं है. उनका मानना था कि एक मिडिल लेवल के ऊपर इन दोनों के बीच का रास्ता निकाला जाए, कि कुछ चीजों को सरकार जो है वो खुद उनको मैनेज करे और कुछ चीज जो है वो प्राइवेट हाथों के अंदर, जो खुले बाजार के अंदर छोड़ दिया जाए. जैसे आज के समय पे आप देखोगे कि इंडियन इकोनॉमी जो है आफ्टर 1991 एक ओपन मार्केट है, एक खुला बाजार है, एक मिक्स इकोनॉमी है. तो वो मिक्स इकोनॉमी की या मिक्स सोशलिज्म की वहां पर बात करते थे, कि यहाँ पे कुछ चीजें सरकार के नियंत्रण में हो और कुछ ओपन हो. तो आज के टाइम पर भी आप देखोगे ज्यादातर चीजें जो है वो ओपन मार्केट के अंदर प्राइवेट लोगों के पास में है, जबकि उनके रूल्स रेगुलेशन वगैरह जो है सब कुछ सरकार बनाती है, ठीक है. इसको कहा जाता है लेजर्सफेयर की पॉलिसी. इस लेजर्सफेयर की पॉलिसी के अंदर जो है सरकार का काम रूल्स रेगुलेशन बनाना और मेन जो इंडस्ट्रीज है उनको मैनेज करना है. जैसे हमारे यहाँ पे अभी एटॉमिक एनर्जी जो है, रेलवेज है, ये प्राइवेट हाथों के अंदर है, जबकि आप जब अमेरिका जाओगे तो वहां पे न्यूक्लियर एनर्जी भी प्राइवेट लोगों के हाथ में है, ठीक है, प्राइवेट कंपनीज के हाथ में. खैर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे तय है, लेकिन उनके हाथों में है, ठीक है. तो इन दोनों के खिलाफ वहां पर थे, वेस्टर्न कैपिटलिज्म और मार्क्सिस्ट सोशलिज्म के. एंड अभी उसके अलावा जो वेस्टर्न साइंस है, विदेशी मतलब आपका जो पश्चिमी जो विज्ञान है, उसका वो तर्क देते थे कि नहीं ये सही है, इसका उपयोग हमको करना चाहिए हमारे देश के डेवलपमेंट के अंदर. वेस्टर्न साइंस जो है वो विदेशी जो आपका विज्ञान है उसके अंदर जो डेवलपमेंट हुआ है वो काफी ज्यादा कारगर है और उसका उपयोग हमको करना चाहिए, ठीक है. अभी वो बोलते थे कि जो इंडिया का पूरा जो सिस्टम है, जो अभी सिस्टम एस्टैब्लिश हुआ है ना, एक समय पे यहाँ पर हर जब हम वेद पुराण और मतलब पहले जब प्राचीन भारत की बात करें, तो उस प्राचीन भारत के अंदर जो है व्यक्ति के ऊपर काफी ध्यान दिया जाता, ह्यूमन बीइंग के ऊपर काफी ध्यान दिया जाता था. लेकिन जैसे वेस्टर्नाइजेशन आया, जैसे कैपिटलिज्म भारत के अंदर आया, तो उसके अंदर जो ह्यूमन बीइंग के ऊपर यहाँ पर ध्यान देना कम कर दिया. अभी इनका जो मॉडल था वो बोलता था कि जो ह्यूमन है उसकी वैल्यूज के ऊपर, उसके ऊपर पूर फोकस यहाँ पे करना चाहिए, कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर, व्यक्ति के उसकी वैल्यू सिस्टम के ऊपर, उसके डेवलपमेंट, उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट, इन सब के ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम जो है करना चाहिए. तो ये मेन उनका कंसर्न था, उनकी फिलोसफी का मेन मोटो था, ठीक है. वो हमेशा रिजेक्ट करते थे ऑफ द इंडिविजुअलिज्म, जो है आपका व्यक्तित्ववाद की जो थ्योरी है उसको वहां पर हमेशा वो रिजेक्ट करते थे. उनका बोलना था कि जो व्यक्तित्ववाद है या इंडिविजुअलिज्म है, उसके कारण जो है वो एक कोई व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा सुप्रीम हो जाता है, बहुत ज्यादा वो व्यक्ति पावरफुल हो जाता है, और उसके कारण एक तरीके से ऑटोक्रेसी या फिर जो इस तरह की चीजें आ जाती है. कई बार उन्होंने नेहरू को कोट करके बोलते थे कि नेहरू जो है एक समय पर समाजवाद की बात किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे जो है वो व्यक्तित्ववाद के अंदर चीजें यहाँ पे बदल गई है, ठीक है. He also reject the communist in which the individualism was crushed as a part of the large heartless machine. क्योंकि कम्युनिस्ट लोग थे, वहां पर इंसान को एक मशीन की तरह समझा जाता था, कि ठीक है आप आओ यहाँ पे काम करो, आपको रोजगार हम दे रहे हैं, इतना पैसा आपको मिलेगा. लेकिन वहां पर लोगों से 15-15, 16-16 घंटे काम किया जाता था, बच्चों से काम करवाया जाता था. तो वो एक इंसान को मशीन समझने वाली जो फिलोसॉफी थी, उस फिलोसॉफी के भी यहाँ पर अगेंस्ट थे, ठीक है. तो एक तरीके से इंसान को जो है एक इंसान समझने की जो फिलॉसफी है, या इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करने का जो सिस्टम है, उसको वहां पर फॉलो करते हैं. आप देखेंगे स्वामी विवेकानंद के, रविन्द्रनाथ टैगोर,
ठीक है, या अभी दीनदयाल उपाध्याय, ये सभी जो है वो ह्यूमनिज्म के ऊपर, मानवतावाद के ऊपर ज्यादा यहाँ पे ध्यान देते हैं। वो मानवतावाद जो रेनेसेंस जब हुआ, पुनर्जागरण जब हुआ वेस्ट के अंदर, तो उस वेस्ट के जो मॉडर्न जो रेनेसेंस था, पुनर्जागरण था, उसकी मेन थीम थी ह्यूमनिज्म। और ये ह्यूमनिज्म की जो थीम है वो वहीं से निकल के पूरी दुनिया के अंदर धीरे धीरे स्प्रेड हुई। हमारे यहाँ खैर उसको 300-400 साल वहां पर आने में लग गए, लेकिन जब आया तो ज्यादातर जो फिलोसोफर्स हैं वो व्यक्तित्ववाद की यहाँ पर बात करते थे। ठीक है, वो एक ऐसे इकोनॉमिक मॉडल, एक ऐसे आर्थिक मॉडल को एस्टैब्लिश करने की बात करते थे जिसके अंदर जो है इंसान डिसीजन मेकिंग के अंदर मेन हो, जहां पर हर व्यक्ति जो है वो डिसीजन मेकिंग के अंदर या नीति निर्माण के अंदर हर व्यक्ति अपना योगदान दे सके। मतलब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग का विकेंद्रीकरण यहाँ पर करने की बात करते थे कि हर व्यक्ति चाहे वो वोट के द्वारा हो या किसी और माध्यम से जो है अपना वोट देके या किसी और माध्यम से डिसीजन मेकिंग के अंदर जो नीति निर्माण है उसके अंदर यहाँ पे काम कर सके। वो किसी भी इंसान के अंदर जो चार जो मेन एट्रीब्यूट्स हैं, चार जो प्रमुख गुण हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देते थे कि हर व्यक्ति के अंदर जो है ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये मेन चार प्रिंसिपल्स होते हैं और इन्हीं को इंसान को यहाँ पे फॉलो करना चाहिए। धर्म इज द बेसिस एंड द मोक्ष इज द अल्टीमेट गोल। धर्म जो है वो किसी भी व्यक्ति का एक आधार होता है ना। धर्म मतलब what is right, what is wrong, ठीक है। धर्म, धर्म मतलब जो क्या सही है क्या गलत है। आप इसको रिलीजन वाला धर्म ना समझे तो ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है, क्योंकि वैसे भी हर धर्म के अंदर सही गलत की बात की गई, लेकिन यहाँ पे धर्म से उनका मतलब है इथिकल प्रिंसिपल, जो आपके नैतिक जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी यहाँ पर बात करते हैं। अर्थ मतलब आपके सोशल एंड इकोनॉमिक मीन, सामाजिक और आर्थिक चीजें। काम मतलब प्लेजर। मोक्ष मतलब इस धरती से जो है वो मोक्ष ले लेना। तो बोलते हैं कि धर्म जो है बेसिस है और मोक्ष जो है वो गोल है। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म इंसिस्ट अपॉन द इन्फ्यूजन ऑफ रिलीजन एंड मॉरल वैल्यूज इन पॉलिटिक्स। राजनीति के अंदर जो है आपके धार्मिक और नैतिक दोनों मूल्य जो है उनको शामिल करने की वहां पे बात करते थे। धर्म भी शामिल हो और मॉरल वैल्यूज भी यहाँ पे शामिल हो। बेसिकली धर्म से उनका संबंध ज्यादातर जो है हिंदू धर्म से था कि हिंदू धर्म के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को यहाँ पे पॉलिटिक्स के अंदर शामिल किया जाए। तो जैसा आरएसएस से बिलोंग करते थे तो आरएसएस के अंदर थोड़ा सा हिंदुइज्म जो है उसको ज्यादा एम्फेसिस किया जाता है, ठीक है। तो ये उनके मेन उसके अंदर प्रिंसिपल थे इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के अंदर। ओके, सो अगर हम इसको और देखें तो बेसिकली जो उपाध्याय थे वो यहाँ पे बोलते थे कि जो भारत की आजादी के बारे में जब बात होती है तो बोलते थे कि भारत को एक तरीके से जो आजादी अंग्रेज हमको देना चाहते हैं या दे के गए हैं, वो उस आजादी से सिर्फ एक तरीके से हमको पावर जो है वो पावर यहाँ पे मिला है और सत्ता जो है वो केवल स्वार्थी और जो हाथों के अंदर चली गई है या जो लोग स्वार्थी लोग थे या जो सत्ता चाहते थे उनके हाथों तक सीमित वहाँ पे होके रह गई है, है ना। उनका क्लियर सा मतलब यहाँ पर था कि जो कांग्रेस के पास जो सरकार है वो, लेकिन उनका कहना था कि जो इंडिपेंडेंस है, जो आजादी है, उसका जो मीन है, उसका जो एक बेसिस है, उसको जो है वो भारत की जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, राष्ट्र की जो संस्कृति है, उस संस्कृति को स्वतंत्रता का आधार बनाना चाहिए। मतलब एक तरीके से हमारे इंडिपेंडेंस के अंदर हमको सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस हमको मिल गई, लेकिन सोशल और इकोनॉमिक फ्रीडम भी यहाँ पर मिलना चाहिए, जिसमें हर जो धर्म का व्यक्ति है या जो भारतीय संस्कृति है उसको अच्छी तरीके से वहाँ पे स्प्रेड किया जा सके, क्योंकि बिना संस्कृति के जो है कोई भी सभ्यता लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकती। उनका आरोप था कि जब इतने सालों से ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज किया और उसके बाद अभी जो कांग्रेस का राज और ये सब चीजें देश के अंदर चल रही है, तो उसके कारण कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर जो है वो कहीं दबा रह गया है, कहीं वो एक कोने में रह गया। तो यहाँ पे जरूरत है कि इंडियन कल्चर जो है उसको फिर से आगे बढ़ाया जाए, उसको वहां पर आगे लाने की कोशिश की जाए। वो बोलते थे कि इन इंडिया इंडिपेंडेंस कुड बी मीनिंगफुल ओनली इफ इट बिकेम एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द भारतीय कल्चर, कि अगर जो स्वतंत्रता है वो तभी मानी जाएगी जब भारतीय संस्कृति की अभिव्यक्ति वहां पर करे, कि जो इंडिपेंडेंस के बाद जो भारतीय संस्कृति है वो उभर के, कि हमारा सर्व धर्म संभाव की फिलोसॉफी है या फिर हमारी अतिथि देवो भव की जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल जो यहाँ पर जो है वो स्प्रेड होके बाहर आए, तभी जो है माना जाएगा कि वास्तव में हमको इंडिपेंडेंस, हमें स्वतंत्रता यहाँ पे मिली है, ठीक है। तो क्या है इंडियन फिलोसॉफी? तो पहली इंडियन फिलोसॉफी के अंदर जो इंडियन कल्चर है उसके अंदर मेन यहाँ पर चीज है कि यहाँ पर लाइफ को जो है एक इंटीग्रेटेड लाइफ जो यहाँ पे एक समग्र रूप से जीवन जो है वो जीवन को देखा जाता है, नॉट एज ए इंडिविजुअल, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको अगर आर्थिक मदद मिल गई या फिर आपने बहुत पैसा कमा लिया तो यू बिकेम इंडिपेंडेंट एंड यू बिकेम द गुड पर्सन। यहाँ पे बोलते नहीं, पैसा यहाँ पर या फिर
जो मनी है वो मनी यहाँ पर सब कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको जरूरत है कि आप यहाँ पे पैसे के अलावा आपका सामाजिक और आर्थिक के अलावा आपका सामाजिक जो है या राजनीतिक जो उत्थान है वो राजनीतिक उत्थान भी यहाँ पे करें, और उसी तरीके से जीवन को समग्र रूप से कि आपका अर्थ, काम और मोक्ष जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल को यहाँ पर इसके अंदर आप अडॉप्ट करें, ठीक है। तो वो मानते थे कि जो लाइफ है इट्स द एक्सप्रेशन ऑफ द इंटरनल यूनिटी, कि इन जो चार चीजें मैंने आपको बताई उन सभी चीजों की एकता जो है, उनकी आंतरिक एकता जो है वो एक तरीके से किसी भी इंसान को इंडिपेंडेंट करती है। तो उनका मानना था कि देश स्वतंत्र होने के साथ में व्यक्ति जो है वो व्यक्तिवाद के ऊपर, व्यक्ति जो है वो स्वयं में भी स्वतंत्र हो, जो बात किया करते थे आपके रविन्द्रनाथ टैगोर की, आपको इंसान को पहले खुद से फिर समाज से फिर इस ब्रह्मांड से मुक्ति जो है वो मिलना चाहिए। तो सेम प्रिंसिपल उन्होंने यहाँ पर इसके अंदर दिया था। उसके बाद वो बात करते थे द यूनिटी इन डाइवर्सिटी, भारत के अंदर जो एकता में अनेकता है उस एकता में अनेकता की, एंड ही एक्सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ द यूनिटी इन द वेरियस फॉर्म्स एंड हैड रिमेन द सेंट्रल थॉट ऑफ द भारतीय कल्चर, कि उसका जो है भारतीय संस्कृति का मेन केंद्र विचार है कि एकता में अनेकता है ना, हम अलग अलग जगह पे यहाँ पे अलग अलग तरीके से यहाँ पर स्प्रेड है, अलग अलग आप देखोगे कि भारत के अंदर जो है वो आप थोड़ी दूर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर बोली जो है वो बोली बदल जाती है, खान पान बदल जाता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कि मालवा के अंदर लोग जो है वो दाल बाटी जो है दाल बाटी बहुत खाते हैं, अभी आप जब थोड़ा और आगे जाओगे गुजरात के अंदर या फिर आप मध्य प्रदेश में ही आप अगर भोपाल के आगे निकलोगे तो ज्यादातर लोग दाल बाटी पहचानते नहीं है, ठीक है। बिहार में आप जाओगे तो वहां पर लिट्टी चोखा जो है वो लिट्टी चोखा वहां पर ज्यादा खाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में कोई नहीं पहचानता कि व्हाट इज लिट्टी चोखा। तो हर जगह का अपना कल्चर है, उनकी पूजा पाठ का तरीका है, हर चीज यहाँ पर जो है अलग अलग है। तो बोलते हैं कि एकता में जो विविधता है उसको हमको समझना चाहिए, इसको जो डाइवर्सिटी है उसको हमको यूनिफाई करना है, उसको एकत्र करना है हमको, और एकत्र करके उसको इम्प्लीमेंट करना है। हम डाइवर्सिटी के नाम पर जो है देश का विभाजन करते रहेंगे तो शायद उसके कारण जो है भारतीय कल्चर के और टुकड़े यहाँ पे हो जाएंगे। वो बोलते थे कि एक जो बच्चा होता है, चाइल्ड डज नॉट स्पीक अनट्रुथ बाय नेचर, ऑफन पेरेंट्स टीच देयर चाइल्ड टू स्पीक अनट्रुथ, कि कोई भी बच्चा जो है वो पैदा होने के साथ ही यहाँ पर झूठ बोलना नहीं सीखता, उसको जो है वो माता पिता के द्वारा यहाँ पे झूठ बोलना सिखाया जाता है या समाज के जो प्रभाव में जब आता है तो झूठ बोलना सीखता है। उनका कहने का मतलब था कि समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं, जो खराब चीजें हैं, उनको हमको दूर करना चाहिए और मानव के एक समग्र विकास, उसके इंटीग्रल डेवलपमेंट की यहाँ पर जो कोशिश है वो कोशिश यहाँ पे करना चाहिए। उनका बोलना था कि किसी भी इंसान के अंदर जो कई तरह की चीजें होती हैं, जैसे एंगर है, मतलब आपका गुस्सा है, लालच है, ठीक है, उसी के साथ में उसी व्यक्ति के अंदर यहाँ पर आपका सैक्रिफाइस और लव भी है, प्यार और उसके अंदर त्याग और बलिदान भी है, ठीक है। तो हमको जो है वो त्याग और बलिदान को आगे रखना चाहिए, किसी व्यक्ति के अंदर उस त्याग और बलिदान जो है उसको प्रायोरिटी देना चाहिए रिस्पेक्ट ऑफ द अभी एंगर और ग्रीड। मतलब कहने का ये है कि संस्कृति के अंदर, हर संस्कृति जो है उसके अंदर कुछ अच्छाइयाँ होती है, कुछ बुराइयाँ होती है, कि कोई भी संस्कृति, कोई भी कल्चर परफेक्ट नहीं होता। तो संस्कृति के अंदर जो बुरी चीज़ें हैं उनको छोड़ के हमको अच्छी चीज़ों को यहाँ पर एक्सेप्ट करने की यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। तो ये मेनली इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के अंदर जो उपाध्याय हैं वो उपाध्याय जी यहाँ पे बोलते थे। जैसे उन्होंने चार मेन चीज़ें बताई, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्चुअल एंड सोल, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। तो इन चारों चीजों को जो है एकत्रित करने की यहाँ पे जरूरत है, ठीक है, चारों चीजों को इंटीग्रेट करने की जरूरत है। जबकि आप जब वेस्टर्न फिलोसॉफी के अंदर जाओगे तो वेस्टर्न फिलोसॉफी के अंदर जो है इन चारों चीजों को अलग माना गया है, योर बॉडी इज डिफरेंट, योर सोल इज डिफरेंट, योर इंटेलिजेंस इज डिफरेंट एंड योर माइंड इज डिफरेंट, चारों चीजों को अलग अलग देखा गया है। जबकि भारतीय संस्कृति के अंदर इन चारों चीजों को एक साथ देखा गया है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपके मन के अंदर अच्छे विचार आएंगे, अच्छे विचार तभी आएंगे जब आपके पास बुद्धि अच्छी होगी, अच्छे विचार होंगे तो आपकी बुद्धि भी बढ़ेगी और बुद्धि बढ़ेगी तो आपकी जो आत्मा है वो और ज्यादा प्योर और ज्यादा जो पवित्र है, आपकी आत्मा और यहाँ पे पवित्र होगी। तो चारों चीजें यहाँ पर एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना, इसलिए लोग योग वगैरह करके या एक्सरसाइज करके अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं ताकि उनका मन, बुद्धि और आत्मा भी वो भी स्वस्थ हो सके, ठीक है। बाकी यूरोपियन प्रिंसिपल के अंदर चारों चीजों को जो है या फिर वेस्टर्न प्रिंसिपल के अंदर चारों चीजों को अलग अलग तरीके से यहाँ पे देखा जाता है। बोले नहीं, अलग अलग नहीं देखना, चारों चीजें जो है वो एक है और उनको एक यहाँ पर देखने की जरूरत है, ठीक है। तो किसी भी इंसान की प्रगति के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए इन चारों चीजों को एक साथ बढ़ना यहाँ पे जरूरी है, तभी इंसान की
जो एक कंप्लीट डेवलपमेंट है, कंप्लीट डेवलपमेंट यहाँ पे हो सकेगा। वो बोलते हैं कि वैस जो है रिगार्डेड बॉडी एंड सेटिस्फेक्शन, बॉडी जो है एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ डिजायर एज द एम, कि उनका जो फिजिकल सेटिस्फेक्शन है वो उसको एक अपना एम मानते हैं कि बॉडी का सेटिस्फेक्शन मिल गया, ठीक है तो सब कुछ यहाँ पर मिल गया। लेकिन इंडियन जो कल्चर है उसके अंदर जो बॉडी को एक फॉर्म के अंदर देखा जाता है कि बॉडी वो चीज है जो आपको बाकी सभी प्रकार की जो चीजें हैं, बाकी प्रकार के जो सेटिस्फेक्शन है उनको दिलाने की कोशिश करोगे, चाहे वो मेंटल सेटिस्फेक्शन हो, चाहे वो फिजिकल सेटिस्फेक्शन हो, तो इन सभी को प्राप्त करने वाला जो शरीर है वो शरीर एक इकलौता है, जबकि वेस्ट के अंदर बॉडी को फिजिकल सेटिस्फेक्शन का माध्यम जो है यहाँ पे माना जाता है। ठीक है, तो अर्थ के अंदर अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो पॉलिसीज इनकी है उसके अंदर जो है अर्थ यहाँ पर होता है। अर्थ मतलब आपकी राजनीतिक और आर्थिक नीतियां, काम मतलब सेटिस्फेक्शन ऑफ नेचुरल डिजायर, आपकी प्राकृतिक जो भी डिजायर है उनसे शांति, चाहे वो सेक्स हो या कुछ और चीज हो। धर्म के अंदर बात करेंगे ऑल दोज रूल फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड इथिकल कोड, धर्म के अंदर वो चीजें जो आपके इथिकल कोड या फिर आपके नीति शास्त्र के नियम, जो भी आपके धर्म के या कल्चर के नियम है वो कल्चर। तो अर्थ, काम और धर्म, ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें जो है उन्होंने इसके अंदर यहाँ पे उसके बारे में लिखा है। उनका मानना था कि जो रिलीजन है, जो धर्म है, ठीक है, तो इट रेगुलेट द अर्थ एंड काम, जो धर्म है वो अर्थ और काम को रेगुलेट करता है ना, कि धर्म मेन है, धर्म यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन आपको यहाँ पे बनाता है और उसके अकॉर्डिंग अर्थ और काम यहाँ पे चलता है ना। फॉर एन एग्जाम्पल कि जो धर्म है वो बताता है कि क्या करना सही है, क्या करना गलत है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ तो मुस्लिम धर्म के अंदर कहा जाता है कि जो आपका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का पेमेंट लेना यहाँ पर गलत है, आप किसी भी व्यक्ति से जो मतलब ब्याज है, ब्याज से कमाई नहीं कर सकते, तो उस धर्म के अंदर वहां पे ब्याज से कमाई करना मना है। मतलब अर्थ के ऊपर कहीं ना कहीं धर्म जो है वो यहाँ पे उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स यहाँ पर सेट कर रखे हैं। सेम चीज यहाँ पर काम की है कि अभी अब डोंट टेक इट रॉन्ग, ठीक है, कि अभी यहाँ पर हम काम किया फिर सेक्सुअल प्लेजर की बात करें तो उसके लिए डिसाइडेड है कि आप अपनी पत्नी से जो है उनके साथ में सेक्सुअल रिलेशन बनाएंगे या किसी और अपने फ्रेंड के साथ में बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप हर धर्म के अंदर अलग है कि आप अपनी बहन से शादी नहीं कर सकते, किसी धर्म में आप अपनी बहन से शादी कर सकते हैं, सेक्सुअल रिलेशन बना सकते हैं, तो अलग अलग चीज यहाँ पर धर्म और काम के अंदर अकॉर्डिंग टू रिलीजन यहाँ पर दी गई है। लेकिन उनका बोलना था भारतीय कल्चर जो है उसका मेन जो है वो है हिंदू धर्म, और हिंदू धर्म से ये भी सभी चीजें यहाँ पे निकल के आई है, ठीक है। तो उनका बोलना था कि जो धर्म है वो मेन यहाँ पर उसको प्राथमिक महत्व दिया जाना चाहिए, लेकिन अभी हमको जो धर्म का जो एब्सेंस है उसके अंदर ऐसा है कि धर्म का एब्सेंस हो तो उसके कारण हम जो है वो गलत चीजें करें या गलत चीजों का उपयोग करें, हमको हमेशा जो धर्म के जो प्रिंसिपल्स है, जो इथिकल कोड है, उनको हमेशा अपने दिमाग के अंदर यहाँ पर रखने की जरूरत है। इट डिस्क्राइब द धर्म एज द बेसिक एंड द मोक्ष एज द अल्टीमेट गोल ऑफ द मैनकाइंड, ठीक है। तो ये उनका इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का आपका जो आपका एकात्म मानववाद था उनका प्रिंसिपल था। उनका एक और थ्योरी है वन नेशन का थ्योरी, वो थोड़ा सा डिटेल, वो थोड़ा एक शॉर्ट थ्योरी है जिसको हम मैं कभी आपको शॉर्ट के अंदर कभी और उसको बता दूंगा। अगले हैं यहाँ पे लास्ट इंडियन फिलोसोफर, ही वाज़ द अरबिंदो घोष, ठीक है। अरबिंदो जो है उनके जो नेशनलिज्म की जो फिलोसफी है उस नेशनलिज्म की फिलोसफी के लिए देखे जाते हैं। तो जितने भी हमने फिलोसोफर देखे ना तो सबका एक ना कोई मेन फिलोसफी था, जैसे कि विवेकानंद का मानवतावाद था, महात्मा गांधी का आपका स्वराज उनका मेन प्रिंसिपल था, ठीक है, या फिर आपके दीनदयाल उपाध्याय का जो एकात्म मानववाद था वो उनका मेन प्रिंसिपल था। रविन्द्रनाथ टैगोर को क्रिटिक्स ऑफ द नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद के आलोचक के रूप में देखा जाता था, ठीक है। तो ये सबका एक मेन कंसेप्ट था, उस तरह से अरबिंदो जो है उनका जो मेन कंसेप्ट था वो नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद था, वो एक अपने तरह के राष्ट्रवाद की यहाँ पे बात करते थे। तो ही वॉज बॉर्न 15th of August 1872 और 5 December 1950 को उनका जन्म हुआ। कितनी अच्छी बात है, 47 से 50 तक उन्होंने इंडिपेंडेंस डे के दिन अपना जन्मदिन मनाया होगा, ठीक है। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेट फिलोसोफर, योगी गुरु, पोएट एंड नेशनलिस्ट, ठीक है, एक जाने माने योगी गुरु और एक राष्ट्रवाद के रूप में उनको जाना जाता था। इनकी जो मदर थी, शी वॉज द डॉटर ऑफ ऋषि राज नारायण बोस, जो कलकत्ता के ब्रह्म समाज थे उसके प्रेसिडेंट थे। तभी आप समझ सकते हैं कि उनकी माता से उनको जो भी चीजें सीखने को मिली होगी ब्रह्म समाज और उनसे संबंधित, उनका उनके जीवन के ऊपर काफी प्रभाव होगा। इनके फादर थे डॉक्टर कृष्ण धन घोष, और ये भारत के सबसे शुरुआती जो एजुकेटेड लोग थे,
जो इंग्लैंड के अंदर पढ़े थे उन लोगों के अंदर से यहाँ पे इनके फादर जो थे कृष्ण धना घोष वो यहाँ पर एक थे, मतलब फैमिली काफी यहाँ पे पढ़ी लिखी थी। अभी फैमिली पढ़ी लिखी थी तो ऑब्वियसली बात है वो भी पढ़ेंगे लिखेंगे, ठीक है। ही वेंट टू कलकत्ता जहाँ फॉर मेडिकल एजुकेशन, मतलब मेडिकल जो MBBS है उसकी डिग्री के लिए यहाँ पर कलकत्ता में उन्होंने लिया। उसके बाद MD की डिग्री के लिए जो है एबरडीन यूनिवर्सिटी इंग्लैंड जो है वहाँ पर जाते हैं 1871 में, और वहाँ पर अपना जो डिग्री है वो MD का डिग्री वहां से लेके आते हैं, ठीक है। तो मतलब ही वाज द MBBS एंड MD, ठीक है। उसके बाद ICS के एग्जाम के अंदर ये अपीयर होते हैं, लेकिन यहाँ पे दो चीजें देखने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है मुझे। एक यहाँ पर ये है कि ICS के एग्जाम के अंदर वो बैठे थे लेकिन जो इंटरव्यू है इंटरव्यू के अंदर सिलेक्ट नहीं हो पाए थे। कुछ जगह कहा जाता है कि वो सिलेक्ट हो गए थे लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन जनरली जो रिसर्च बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि वो ICS के एग्जाम के अंदर फाइनली वो सिलेक्ट नहीं हो पाए थे क्योंकि उनका जो फिलॉसफी था या उनका जो सोच का तरीका था वो थोड़ा सा यहाँ पे अलग था, जो ब्रिटिशर्स को वहाँ पे रास नहीं आया, ठीक है। तो उसके कारण उनको वहाँ पर सिलेक्ट नहीं किया गया, ओके। उसके अलावा जब ये लंदन के अंदर थे तो वहां पर ही जो इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए कुछ उन्होंने कोशिश की, वहां पर लोटस एंड डैगर करके एक सीक्रेट सोसाइटी थी, उस सीक्रेट सोसाइटी के वहां पर पार्ट थे जिसका मेन जो एम था वो भारत को ब्रिटिश के डोमिनेशन से, ब्रिटिश के राज से भारत को मुक्त करना था। तो लोटस एंड डैगर के अंदर उन्होंने लंबे समय तक वहां पे काम किया। उसके बाद वापस इंडिया आते हैं जब वो, तो इंडिया आने के बाद यहाँ पे जो बड़ौदा स्टेट के अंदर जो बड़ौदा के महाराज थे वो 1892 को अपने यहाँ पर उनको जॉब पे रखते हैं, ठीक है। तो वहां पर वो उनके कॉलेज के अंदर पहले तो स्टेट सर्विस में, देन उसके बाद कॉलेज के अंदर वहां पे ज्वाइन करते हैं। जो बड़ौदा कॉलेज था उसके वाइस प्रिंसिपल बनते हैं 1905, एंड उस समय पे वहां पे बंगाली, संस्कृत और उन लैंग्वेजेस के जो एक विद्वेता थे, उसके जो इंटेलेक्चुअल है उसके रूप में बड़ौदा में उनको देखा जाता है, और पूरे भारत के अंदर उस समय उनकी यहाँ पर ख्याति है। तो एजुकेशन सिस्टम के अंदर काफी उन्होंने यहाँ पर डेवलपमेंट किया। उसी के साथ में जो भारत का जो आजादी का मूवमेंट था उस मूवमेंट को यहाँ पर वो ज्वाइन करते हैं, और उसी बीच एक इंसिडेंस होता है, द इंसिडेंस ऑफ द अलीपुर बॉम्ब केस। तो अलीपुर बॉम्ब केस के अंदर जो है इनका नाम वहां पर आता है कि ये जो है उस बॉम्ब बनाने और इन सब चीजों के अंदर शामिल थे, लेकिन जैसे तैसे करके ये अपने आप को निर्दोष वहां पर डिक्लेयर करते हैं, अपने आप को एक्विटल डिक्लेयर करवाते हैं। एंड उसके बाद जो है उस पूरे केस के कारण वो काफी ज्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि कोर्ट के चक्कर और कई लंबे समय तक वो जेल के अंदर भी रहे, तो उसके कारण उन्होंने डिसाइड किया कि अभी जो है वो ब्रिटिश इंडिया के अंदर नहीं रहेंगे। और फिर यहाँ से वो जाते हैं चंद्रपुर, और चंद्रपुर से जाते हैं पांडिचेरी, और उसके बाद अपना जीवन का बाकी जो समय है वो पांडिचेरी के अंदर वहां पर बिताते। पांडिचेरी जो है उस समय पोर्टुगीज जो है वो स्टेप प्लेस था जहां पर उनका रूल वहां पे चलता था, तो ब्रिटिश की जो पुलिस है या उनका प्रभाव वहां पर नहीं था। उसके कारण लंबे समय तक वहां पे रहे, और वहां पर रह के उन्होंने कई सारे सीक्रेट मिशन चलाया जहां पर उन्होंने भारत की आजादी के लिए जो भी चीजें हुई, जो भी सीक्रेट कई मूवमेंट चले, कई अंग्रेज अधिकारियों की हत्या हुई, इन सब के अंदर कहीं ना कहीं उन्होंने वहां पर अपना योगदान दिया ऐसा माना जाता है, ठीक है। कोई एग्जैक्ट प्रूफ उसके नहीं है, लेकिन वहां पर बैठ के काफी चीजें उन्होंने वहां पे कंट्रोल की। उनकी सबसे फेमस जो बुक है उन बुक्स के अंदर से वो है द लाइफ डिवाइन, जो बेसिकली आपके जो इंट्रिगल योग का उनका जो फिलॉसफी है उनका जो उस फिलॉसफी को यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है। और ये बुक जो है उन्होंने शुरू में जब वो जेल के अंदर थे वहां पर उन्होंने एक बुक लिखा था। अगली बुक है सिंथेसिस ऑफ योगा, विच डील विद द प्रैक्टिकल गाइडेंस टू द इंटरनल योगा, जो आंतरिक योग है उसके सिद्धांतों को उन्होंने यहाँ पे लिखा था। देन सावित्री, जो एक इपिक पोयम उन्होंने लिखा था, एक लंबी पोयम थी, तो वो पोयम लिखा उन्होंने। उसका द सुपरमैन इवोल्यूशन, सुपरमैन वो वाला नहीं जो पेंट के ऊपर चड्डी पहनता है, ठीक है, सुपरमैन मतलब एक सुपरमैन रियल वाला सुपरमैन, ठीक है। इवोल्यूशन, हाइम्स ऑफ सिस्टिक ऑफ द मिस्टिक फायर, ईशा उपनिषद, एट उपनिषद, ऐसे ओम गीता। ऐसे ओम गीता भी उन्होंने जब जेल के अंदर थे तो जेल के अंदर लिखा था, जहां पर गीता के ऊपर पूरा उन्होंने डिटेल में सब कुछ चीजें समझाई थी और उसको धर्म के परस्पेक्टिव से उन्होंने समझाया था, ठीक है। ही वॉज नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1943 एंड अगेन इन 1950 फॉर द नोबेल पीस प्राइज, लेकिन दोनों बार मिल नहीं पाया, ठीक है। तो अगर कोई भारतीय जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ है तो उसको नोबेल प्राइज नहीं मिल पाता है, ये एक अब देखते हैं कि उस समय चीजें हुई कि महात्मा गांधी को भी शांति के अंदर नोबेल प्राइज नहीं मिला, न ही जो है आपके अरबिंदो को मिल पाया, ना राधाकृष्णन को
कभी मिल पाया, जबकि इन लोगों का जो योगदान था वो काफी ज्यादा था। इनके नेशनलिज्म की फिलोसफी की यहाँ पर बात करें तो उनका बोलना था कि इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड इन विच द सुप्रीम लॉयल्टी ऑफ द इंडिविजुअल इज ड्यू टू द नेशनल स्टेट, कि जो नेशन स्टेट सिस्टम है एक मन की स्थिति जिसमें व्यक्ति की सर्वोच्च निष्ठा राज्य राष्ट्र के से होती है। तो ये राज्य राष्ट्र का जो सिस्टम था, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब यूरोप के अंदर, फ्रांस के अंदर जब नेपोलियन बोनापार्ट का रूल आया तो उस समय पे जो है लोगों के अंदर राष्ट्र की भावना, या फिर उसके पहले आप देखोगे कि वहाँ पे 100 ईयर वॉर या 7 ईयर वॉर जो था, उस 7 ईयर वॉर के बाद लोगों के अंदर यहाँ पे राष्ट्रवाद की भावना, नेशनलिज्म की भावना जो है यहाँ पे जागती कि एक राष्ट्र है और राष्ट्र के लिए वो लोग लड़ रहे हैं, राष्ट्र के लिए वो अपना सर्वोच्च बलिदान दे रहे हैं। तो यहाँ से लोगों के ऊपर जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो यहाँ पर अरोज होना स्टार्ट हुई, ठीक है। और उनका मानना था कि भारत के अंदर जो राष्ट्रवाद है उसी तरीके से आया जैसे ब्रिटेन के अंदर आया, क्योंकि हम भी पहले टुकड़े के अंदर बटे हुए थे एट द टाइम ऑफ मुगल। अभी आप देखोगे ना कि मुगल्स के आने के पहले हम कितने टुकड़ों में बटे थे, मुगल्स ने हमको इंटीग्रेट करने की कोशिश की, उसके बाद जो मुगल कमजोर हुए तो हम फिर से डिसइंटीग्रेट हो गए, फिर से हम टुकड़ों में बढ़ गए, फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने हमको फिर से इकट्ठा किया, और उसके बाद से उनके एक बार इकट्ठे करने के बाद जो है फिर हम 2 टुकड़ों में बटे और अभी हम एक समग्र राष्ट्र के रूप में यहाँ पे काम करते हैं। तो उनका बोलना है कि भारत के जो लोग हैं उनको अपने राष्ट्र के प्रति, अपने जो नेशन स्टेट है उसके प्रति जो है वो सर्वोच्च आस्था यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के अंदर यहाँ पे होना चाहिए। उनका बोलना है कि 17, 18 और 19 सेंचुरी के अंदर पूरे विश्व के अंदर जो बदलाव आए, उन बदलावों के कारण जो है राष्ट्रों का निर्माण हुआ, नेशंस का फॉर्मेशन हुआ, और वो जो नेशन है उस फॉर्मेशन के कारण जो है अभी लोगों के अंदर ये जो फीलिंग है वो फीलिंग यहाँ पर आती है, ठीक है। अरविंदो का जो नेशनलिज्म था इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड ब्रॉड वन, उसको एक बहुत ही समग्र रूप से यहाँ पर देखते थे। उनका जो राष्ट्रवाद था बेसिकली इट्स अ स्पिरिचुअल नेशनलिज्म, एक तरीके से जो धार्मिक या फिर जो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद है उसको यहाँ पर, उसके तरीके से यहाँ पर उसको देखते थे। उनका बोलना था कि जो वेस्टर्न प्रिंसिपल है उसके अंदर सिर्फ एक पॉलिटिकल जो फीलिंग है वो यहाँ पर आती है, एक राजनीतिक जो एकत्रता है या एक राजनीतिक एकता है वो यहाँ पर पॉलिटिकल सेंटिमेंट यहाँ पर दिखते हैं लोगों के, लेकिन इंडियन नेशनलिज्म जो है इट्स अ स्पिरिचुअल साधना, एक आध्यात्मिक साधना है जहाँ पर व्यक्ति जो है अपने राष्ट्र को, अपने नेशन को एक धर्म की तरह देखे, क्योंकि इंडिया के अंदर धर्म से ऊपर कुछ नहीं है, है ना। अभी जब जहाँ पे धर्म और राष्ट्र की बारी जब आती है तो लोग हमेशा धर्म को यहाँ पे ऊपर रखते हैं। तो उनका मानना था कि भारत के लोगों के अंदर जो है धर्म जो है वो उनके रगों के अंदर बसता है, और इंसान अगर लोग अगर राष्ट्र को भी धर्म की तरह मानने लग गए तो शायद भारत का डेवलपमेंट जो है वो तेजी से होगा, लोगों के अंदर नेशनलिज्म की जो फीलिंग है और तेजी से यहाँ पर आगे आएगी। ये बोलता है नेशनलिज्म इज नॉट अ मेयर पॉलिटिकल प्रोग्राम, एक राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, इट इज अ रिलीजन दैट हैज कम फ्रॉम गॉड, एक राजनीति एक जो है एक एक धार्मिक चीज है जो भगवान से आई है, एंड इट इज अ क्रीड विच यू शैल हैव टू लाइव, और एक तरीके से क्रीड है, एक पंथ है जिसको आपको जीना चाहिए। तो राष्ट्रवाद को एक क्रीड के रूप में, एक पंथ के रूप में मानते थे जो ईश्वर से आया, भगवान ने आपको राष्ट्रवाद के लिए यहाँ पर जो है यहाँ पर सिलेक्ट किया है, और आपको धर्म की तरह, भगवान की तरह राष्ट्रवाद की पूजा आपको यहाँ पे करनी है। तो ये राष्ट्रवाद का उनका थोड़ा सा प्रिंसिपल जो है उन्होंने धर्म से अंदर इन चीजों को यहाँ पे जोड़ के रखा, ठीक है। वो बोलते थे ही डिमांडेड द कंप्लीट स्वराज, कंप्लीट स्वराज की यहाँ पर बात करते थे, और उसको बोलते थे कि इसको अचीव करने के लिए कोई भी रास्ता जो है वो हर साधन एवरी मीन यहाँ पर आप उपयोग कर सकते हैं, जबकि महात्मा गांधी बोलते थे कि स्वराज के लिए सिर्फ जो अहिंसा है, अहिंसा का उपयोग यहाँ पर आएगा, ठीक है, अहिंसा का उपयोग आपको यहाँ पे करना चाहिए। लेकिन इनका बोलना कि अहिंसा वगैरह सब ठीक है, राष्ट्रवाद के लिए या फिर अपने नेशनलिज्म के लिए जो भी आपको जो भी साधन लगे उन साधनों का उपयोग करना यहाँ पर चाहिए, और उसके द्वारा राष्ट्रवाद यहाँ पे लाना चाहिए, ठीक है। ही सेज दैट इट्स नेशनलिज्म एज अ रिलीजियस प्रैक्टिस, की एक धार्मिक प्रथा के रूप में यहाँ पर देखा जाना है, और जिसके द्वारा जो है जो आपकी मातृभूमि है उसकी मुक्ति संभव है, कि लोगों को जो है राष्ट्रवाद की जगह उसको स्पिरिचुअल नेशनलिज्म एक आध्यात्मिक राष्ट्रवाद चलाए, कि धर्म के रूप में इसको लोगों को देखने की बात जो है देखने की बात उन्होंने यहाँ पर इसके अंदर कही है, ठीक है। सो अरविंदो इज नेवर अलाउड हिज नेशनलिज्म टू डीजनरेट इनटू मेयर चौविनिज्म और आपके जो रिवाइवलिज्म है उसके रूप में, कि एक तरीके से जो अति राष्ट्रवाद है या पुनरुत्थान के रूप में नहीं देखना है, कि जो उग्र राष्ट्रवाद होता है उसके उसकी आलोचना जो है वो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर में की थी, और उसके कारण वो बोलते थे कि जब तक मैं जीवित हूँ तब तक कभी भी जो है वो मानवता के ऊपर राष्ट्रवाद नहीं आ सकता। तो जो उग्र राष्ट्रवाद थी जहाँ पर आपका
जैसे कि अपराष्ट्रवाद के नाम पे किसी की हत्या कर दें या किसी को मार दें, उसके वहां पर वो खिलाफ थे। और उसके साथ में जो रिवाइवलिज्म है, जो पुनरुत्थान है किसी भी धर्म का या फिर किसी भी राष्ट्र का, उसके भी वो थोड़े से खिलाफ थे कि बहुत ज्यादा बदलाव धर्म के नाम पर या इनके नाम पर राष्ट्र के पूरे स्वरूप के अंदर नहीं आना चाहिए। तो सवाल ये होता है कि क्या वो एक राम राज्य बनाना चाहते थे, क्या वो एक हिंदू धर्म बनाना चाहते थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बोलते थे कि आपका जो भी धर्म हो, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी आपका धर्म हो, आप राष्ट्र को धर्म की तरह माने। जिस तरह आप जो बाय हार्ट आप धर्म की पूजा करते हैं, आप अपना 5 टाइम अजान करते हो या फिर आप रोजे रखते हो या फिर नवरात्रि के उपास करते हो, जो भी आप करते हो, जिस तरह से आप अपने राष्ट्र की अपने धर्म की पूजा करते हो, धर्म के अंदर तल्लीनता रखते हो, उसी तरह आपको राष्ट्र को भी यहाँ पर देखना है। एक सिंपल सा कंसेप्ट उन्होंने यहाँ पर इसके अंदर बताया था। ठीक है, तो एक अलग तरीके की फिलोसॉफी वो यहाँ पे लेके आए राष्ट्रवाद के अंदर। ठीक है, उनका मानना था कि जो बंगाल विभाजन हुआ है, जो डिवीजन हुआ था बंगाल का इन 1907, तो वो जो बदलाव जो बंगाल विभाजन हुआ, एक तरीके से वो भगवान का आदेश था। भगवान ने आदेश दिया था कि बंगाल का पार्टीशन, और उस पार्टीशन के बाद जो है लोगों के अंदर जो राष्ट्रवाद की भावना है, नेशनलिज्म की भावना, और उभर के आई। तो उनको बोलना कि भगवान का आदेश था और भगवान ने यहाँ पे एक देवी रूप से यहाँ पे निर्देशित किया था कि इस तरीके से भारत का बंगाल का बंटवारा हो, और बंटवारे के बाद जो एक आपका स्वदेशी आंदोलन है, वो स्वदेशी आंदोलन यहाँ पे चल सके। ठीक है, तो वो उसको हर चीज को धर्म से रोकने की यहाँ पे, उसको यहाँ पे जोड़ने की यहाँ पे कोशिश करते थे। वो बोलते थे कि इट इज नॉट बीइंग टू बी क्रश्ड, कि जो नेशनलिज्म है उसको क्रश या उसको कुचला नहीं जा सकता। नेशनलिज्म सर्वाइव इन द स्ट्रेंथ ऑफ गॉड एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रश इट, कि जो राष्ट्रवाद है उसको जो है वो भगवान की देन है, और उसको दबाना या कुचलना जो है वो यहाँ पर संभव नहीं है। इसलिए अगर जो भी आपको कोशिश करना कर सकते हो, लेकिन राष्ट्रवाद को आप यहाँ पे नहीं बदल सकते, नहीं दबा सकते, अगर वो यहाँ पे राष्ट्र उससे धर्म से जुड़ा हुआ है। बोलते नेशनलिज्म इज इमोर्टल, जो राष्ट्रवाद है वो अमर है, जो कभी नहीं मरता है, और कभी भी जो है इट इज उसका इंसान से, ह्यूमन की जो सोच है उससे कोई उसका ज्यादा यहाँ पर संबंध नहीं है। वो एक तरीके से एक डिवाइन सोच है, एक भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है। ठीक है, राष्ट्रवाद, और उसको उसी तरह से यहाँ पर हर व्यक्ति को उसको यहाँ पे मानना चाहिए। अगर उसको इंसान से जोड़ दिया तो कहीं ना कहीं जो है वो राष्ट्रवाद जो है वो कभी ना कभी मर जाएगा। ठीक है, अभी ये बात हुई कि नेशनलिज्म की, आई होप आपको समझ में आया होगा। द नेक्स्ट इज द अरविंदोस एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के बारे में उनके जो विचार थे वो विचार क्या थे। तो शिक्षा के बारे में यहाँ पर बेसिकली जो मॉडर्न एजुकेशन है वो उसको यहाँ पर जनरली वो सपोर्ट कर देते कि शिक्षा के हमारा जो वास्तविक आधुनिक जीवन जो है उसकी जरूरत पूरी करे, हमारा जो मॉडर्न लाइफ है उसकी जरूरत पूरी करे, ऐसा ही वो एजुकेशन सिस्टम वहाँ पे चाहते थे। बोलते थे एजुकेशन शुड क्रिएट द डायनेमिक सिटीजन, एक डायनेमिक या फिर एक जो है आपका एक गतिशील मानव बनाना उसका यहाँ पे काम है, जो इंसान की जो समस्याएं, उन समस्याओं को, जीवन की जरूरतों को यहाँ पे पूरा कर सके। तो एजुकेशन सिस्टम जो है उसके अंदर वो फिजिकल डेवलपमेंट जो है किसी भी इंसान का वो मेन एम मानते थे, कि किसी भी व्यक्ति का जो फिजिकल और उसका जो मेंटल डेवलपमेंट है, उसका जो आत्मिक बौद्धिक विकास और उसका शारीरिक विकास, दोनों तरह के विकास जो है शिक्षा के द्वारा यहाँ पे होना चाहिए। तो ये फिजिकल डेवलपमेंट की बात भी वहाँ पे करते थे, इसलिए वो स्कूल के अंदर आपके योगा और इन सब चीजों को वहाँ पर तरजीह दिया करते थे। ठीक है, उसके बिना जो है वो आपका एजुकेशन सिस्टम जो है यहाँ पे पूरा नहीं हो सकता। तो इन दोनों चीजों के ऊपर, बेसिकली एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, जो अरविंदो है वो यहाँ पे ध्यान दिया करते थे। वो बोलते थे कि फिजिकल डेवलपमेंट एंड प्यूरिफिकेशन आर द टू एम टू बेसिस ऑन विच द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इज बिल्ट, कि जो भी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है आपका, जो आध्यात्मिक विकास है, वो शारीरिक विकास और शारीरिक शुद्धिकरण दोनों के ऊपर बेस है। ठीक है, शरीर का विकास और शरीर की शुद्धता, शरीर का विकास कैसे होगा, जब आप एक्सरसाइज करेंगे, आप योगा करोगे, तो आपके शरीर का विकास होगा। और प्यूरिफिकेशन कैसे होगा, जब आप अच्छी बात बोलोगे, अच्छे विचार रखोगे, है ना, योर हियरिंग, योर स्पीकिंग, योर लिसनिंग, योर टचिंग, योर स्मेलिंग, टेस्टिंग, सब कुछ जो आपके सेंसेस हैं वो अच्छे से काम करें, और आप उन सेंस के ऊपर कंट्रोल कर सके, उन सेंस को जो है आप नियंत्रित कर सके, तो तभी माना जाएगा कि आपका जो शुद्धता है वो शुद्धता उसके अंदर यहाँ पे आ गई है। तो यहाँ पे आपका फिजिकल डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट के साथ में आपका जो प्यूरिफिकेशन है, दोनों के बारे में यहाँ पर जो अरविंदो यहाँ पे बात करते थे। ठीक है, सो जस्ट अ मिनट, तो दोनों के बारे में यहाँ पर अरविंदो यहाँ पे इसके बारे में बात किया करते थे। तो कभी एक अलग फिलोसॉफी जो है वहाँ पर एजुकेशन के अंदर भी यहाँ पे रखते थे कि आपके सेंसेस जो है, उन सेंसेस को आपको यहाँ पे कंट्रोल करना है, और व्यक्ति का विकास तो आपको यहाँ पे करना ही है। ठीक है, उसके अलावा, उनके अलावा जो है, इंसान जो उनके सेंसेस है कैन बी फुली ट्रेन
व्हेन द नव चित्त एंड मानस आर प्योर, किसी व्यक्ति का जो तंत्रिका तंत्र है, ठीक है, चित्त मतलब आपका जो इनर कंसाइजनेस है और उसका मानस मतलब उसका जो थिंकिंग है वो प्योर होगा, तो कोई भी व्यक्ति जो है उसको पूर्ण तरीके से यहाँ पर प्रशिक्षित किया जा सकता है, ठीक है। थ्रू एजुकेशन प्योरिटी ऑफ सेंसेस इज टू बी अचीव्ड बिफोर एनी डेवलपमेंट इज पॉसिबल, कोई भी विकास जो है इसके द्वारा यहाँ पे संभव हो सकता है, ठीक है। तो वो बोलते थे कि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी बच्चे का जो है मेंटल डेवलपमेंट जो बच्चे का है वो बेसिकली उसके अंदर उसका जो थिंकिंग है, उसकी रीजनिंग है, इमेजिनेशन है, ये सब चीजें जो उसके अंदर यहाँ पर डेवलप करना आपको जरूरी है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर उसकी जो सोच है, तर्क करने की शक्ति है, रीजनिंग का पावर है, वो आपको डेवलप करोगे तभी किसी व्यक्ति का यहाँ पर समग्र विकास हो सकेगा, ठीक है। अनदर एम ऑफ एजुकेशन इज डेवलपमेंट ऑफ मॉरलिटी, किसी भी व्यक्ति के जो नैतिक कर्तव्य है या नैतिक सोच है या एथिक्स है उसका डेवलपमेंट जो है यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम का मेन एम है, और उससे द्वारा ही किसी व्यक्ति की जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट यहाँ पे हो सकता है। तो उन्होंने एक पूरा एक स्टेज बनाई कि कैसे विकास जो यहाँ पर होगा। पहला बोलते थे मदर टंग, कि व्यक्ति का जो मदर टंग है या मातृभाषा है वो मतलब उन्होंने एक्चुअली प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, यूनिवर्सिटी लेवल और वोकेशनल एजुकेशन, ये चार तरीके से उसको डिवाइड किया। तो बोले प्राइमरी एजुकेशन सबके लिए, वहां पर किसी व्यक्ति का मदर टंग इंग्लिश, फ्रेंच, लिटरेचर, नेशनल हिस्ट्री, राष्ट्र का इतिहास, आर्ट, पेंटिंग, साइंस, सोशल स्टडीज, अरिथमेटिक, ये सब बच्चों को प्राइमरी स्टेज के ऊपर पढ़ाना चाहिए। सेकेंडरी स्टेज के ऊपर जो है उसको मदर टंग इंग्लिश, फ्रेंच, लिटरेचर, अरिथमेटिक, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, फिलोसफी, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल स्टडीज, ये सेकेंडरी लेवल के ऊपर पढ़ाया जाए। यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर उसको इंडियन और वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ाया जाए, उनके अंदर अंतर बताया जाए, सिविलाइजेशन की जो उसकी हिस्ट्री बताई जाए, इंग्लिश लिटरेचर, फ्रेंच, सोशलिज्म, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, ये सब सब्जेक्ट, बॉटनी वगैरह पढ़ाया जाए। फ्रेंच के ऊपर उनका जोर इसलिए था क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर पूरा विकास नहीं हुआ है, और इंग्लिश के साथ में अगर फ्रेंच को मिला दो तो ओवरऑल जो डेवलपमेंट वेस्ट के अंदर हुआ है वो इंग्लिश और फ्रेंच के अंदर ही हुआ है, तो इसलिए फ्रेंच को ज्यादा वहां पर सपोर्ट करते थे। उसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को सेकेंडरी स्टेज के बाद अगर उसको वोकेशनल लेवल के ऊपर जाना है या प्राइमरी के बाद ही वोकेशनल लेवल के अंदर जाना है तो वहां पर आर्ट, पेंटिंग, फोटोग्राफी, स्कल्पचर, ड्राइंग, टाइपिंग, मतलब कॉटेज इंडस्ट्री, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, नर्सिंग, ये सब चीजें वोकेशनल लेवल के ऊपर किसी व्यक्ति को सिखाई जाना चाहिए। मतलब आपका प्राइमरी के बाद आपको वोकेशनल या फिर यूनिवर्सिटी लेवल कहाँ पर जाना है वो व्यक्ति डिसाइड कर सकता है, और हर स्तर के ऊपर इनको ये सब चीजें यहाँ पे सिखाई जाना चाहिए। तो एक तरीके से एजुकेशन सिस्टम को उन्होंने यहाँ पे रिवाइव करने की कोशिश की और यहाँ पर एक ब्लू प्रिंट यहाँ पर रखा कि किस तरीके से जो विकास है, जो डेवलपमेंट है आपका शिक्षा का, वो यहाँ पे हो सकता है। तो इस लेक्चर के अंदर इतना ही फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने आपके दीनदयाल उपाध्याय और अरविंदो दोनों की बात करी। अगले लेक्चर के अंदर हम कुछ बेसिक वेस्टर्न फिलोसॉफिकल जो सिस्टम है उनके बारे में बात को समझ के उसके बाद हम अरिस्टोटल और प्लेटो दोनों को समझेंगे, और उसके बाद आगे किसी लेक्चर के अंदर जब समय मिलेगा तो मैं आपको नेहरू जो है वो नेहरू में आप लोगों का कवर करूंगा, ठीक है। तो अगले लेक्चर के अंदर हम जो वेस्टर्न फिलोसॉफी है, प्लेटो और अरिस्टोटल जो है उनकी हम बात करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।